हेलो फ्रेंड्स, ग्लिटर्स एंड फुटेक की एक नई और फ्रेश वीडियो में आपका फिर से बहुत स्वागत है। और मैं प्रशांत प्राचर आज आपके लिए लेके आया हूँ फिलिप्स का स्टेबलाइजर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, डे 10 के एसी के लिए कंपैटिबल है और पूरे 3 साल की है इसकी वारंटी। बताऊंगा आपको इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स एंड फुटेक के साथ। ये पैकिंग है फिलिप्स के सेफ टेक वोल्टेज स्टेबलाइजर की। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है और इसकी पैकिंग एक कॉरोगेटेड पैकिंग है जो कि ग्लॉस फिनिश में है। और इसके फ्रंट साइड में इसके ऊपर एक फिलिप्स की ब्रांडिंग है, सेफ टेक की ब्रांडिंग है। और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, सूटेबल है डे 10 के एसी के लिए। और एक इसकी पंचलाइन लिखी हुई है कि स्मार्ट स्टार्ट फॉर बेटर प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट की फोटोग्राफ है और ये बताता है कि इसकी 36 मंथ्स की वारंटी है, यानी पूरे 3 साल की वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट के ऊपर। और बॉक्स के इस साइड प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि ये स्मार्ट स्टार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड से। और उसके बाद डीजी से कंपैटिबल है, यानी ये जनरेटर्स के साथ भी जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसके अंदर कट ऑफ प्रोटेक्शन है, ये प्रिवेंट करता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के टाइम पे अप्लायंस को डैमेज होने से। इसके बाद इसका इजी इंस्टॉलेशन है, वॉल माउंट डिजाइन है इसका। और ये जो वर्किंग रेंज है इसकी 150 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक है। और इस पैक को अगर हम खोल के देखें तो इस पैक के अंदर हमारा एक स्टेबलाइजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी पैकिंग के अंदर है थर्मोकोल की। और इस बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं एक स्क्रूज इसको माउंट करने के लिए, उसके बाद एक हमें मिलती है माउंटिंग टेम्पलेट जिसकी हेल्प से हम इसको इजीली माउंट कर सकते हैं वॉल के ऊपर। और उसके बाद एक ये मिलती है हमें यूजर मैनुअल और वारंटी सर्टिफिकेट। और ये हमारा स्टेबलाइजर उसके साथ मिलता है। अगर स्टेबलाइजर को देखा जाए तो फ्रंट में इसके फिलिप्स की ब्रांडिंग है, सेफटेक की ब्रांडिंग है। और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। यहाँ पे इसका डिस्प्ले है जो कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को डिस्प्ले करेगा। और इसके टॉप पे कुछ होल्स हैं जो कि एयर को सर्कुलेट करेगा और इसको ठंडा रखेगा। और इसके साइड में एक हमारे पास वायर निकल रही है, एक स्टिकर लगा हुआ है। और ये दो स्क्रूज हैं जिसको खोल के हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं अपने एसी का। और इसके बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में इसके दो ये होल्स हैं इसको माउंट करने के लिए वॉल के ऊपर, और बाकी ये जो होल्स हैं वो इसके एयर सर्कुलेशन के लिए, इसको ठंडा करने के लिए हैं। और इसके बाद इस साइड में भी इसके जो है कोई डिज़ाइन बना हुआ है। और इसमें भी जो है अंदर आप देखेंगे तो ग्रूव्स बने हुए हैं, और इस ग्रूव से भी जो है एयर सर्कुलेट होगी और इसको ठंडा रखेगी। तो चारों तरफ से इसके अंदर होल्स ही होल्स हैं जो कि इसको ठंडा रखेंगे। और इसके बाद इसकी जो बॉडी है वो मेटल बॉडी है और बहुत सॉलिड है। और इसका में वेट भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो के आसपास का इसका वेट है। और ये एक फिलिप्स कंपनी का स्टेबलाइजर है जो कि मेड इन इंडिया स्टेबलाइजर है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इसको एक बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। और ये थी इसकी एक बेसिक अनबॉक्सिंग। मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना तो यूट्यूब के ऊपर ग्लिटर्स फुटेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।